Hey everyone, warm welcome to another video, warm welcome to another analysis. चलते हैं analysis की तरफ और quickly एक stock देखेंगे, उसके techno fund analysis करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या risk reward है, क्या technical analysis बोल रहा है, क्या fundamental analysis बोल रहा है. चलते हैं अपने analysis की तरफ. Perfectly fine. Before that, अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है, subscribe the channel, press the bell icon, get all the notifications instantly. चलो चलते हैं एनालिसिस की तरफ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एक केमिकल और फर्टिलाइजर डाई पिगमेंट स्टॉक्स के, श्री पुष्कर केमिकल्स. वाओ, सबसे बेस्ट पार्ट जो अभी तक इस पिक्चर को देखकर लग रहा है, इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, यहीं पे वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि यहां पर क्या लग रहा है पैटर्न बनता हुआ. परफेक्ट, यहां लग रहा है राउंड बॉटम. यस, मजा आने वाला है. राउंड बॉटम पैटर्न बन रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट, जहां पर एक्यूमुलेशन होती रहती है. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, राउंड बॉटम में टाइम लगता है पर पैसा अच्छा खासा आता है. चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की तरफ, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ. नंबर वन जो अभी देखने को लग रहा है यहां पर, यहां स्टॉक गैप अप हुआ विद गुड वॉल्यूम. सबसे बेस्ट पार्ट, वॉल्यूम्स पर नजर मारी जाए सबसे पहले, ये देखो वॉल्यूम्स यहां पर हाइयर हाई बनाता जा रहा है, ये फिर और बढ़ गया. वॉल्यूम्स काफी गुड इनफ है, परफेक्टली फाइन. उसके बाद अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अलावा भी यहां पर स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है. ये देखो हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है स्टॉक, अच्छा खासा मूव कर रहा है. और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, स्टॉक राउंड बॉटम पैटर्न बना रहा है. राउंड बॉटम पैटर्न्स में क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो हाईली फेवरेबल होता है. राउंड बॉटम पैटर्न्स में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हाईली फेवरेबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन हो चुकी है, अब धीरे 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 स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होगा. परफेक्टली फाइन. चलो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न बना रहा है, नेक्स्ट राउंड बॉटम बना रहा है, नेक्स्ट वॉल्यूम देख लिया, परफेक्ट. अब ये जो पैटर्न है अगर इसको कंप्रेस करा जाए, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पे बना रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको देखते हैं. पहले टेक्निकल एस्पेक्ट कवर करते हैं फिर फंडामेंटल की तरफ भी जाएंगे. इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं यहां पर. चलो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम. अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, लास्ट टू वीक्स के हिसाब से देखा जाए, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उस हिसाब से भी स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है. राइट, नंबर वन. नंबर टू, वीकली टाइम फ्रेम पे अब आपको यहां पर ज्यादा बेटर राउंड बॉटम दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी जो थी वो कम हो गई, मूवमेंट कम हो गई, कैंडल स्ट्रॉन्ग हो गए, जिस वजह से नॉइस कम हो गई, जिसको बोलते हैं नॉइस रिडक्शन. राइट, अब यहां पर वॉल्यूम देखना, ये जो लास्ट सागा है, लास्ट डेढ़ दो महीने की वॉल्यूम्स है, वो काफी इफेक्टिव लग रहे हैं. राइट, प्लस उसके अलावा भी देखा जाए तो यहां पर एक छोटा सा कप एंड हैंडल बोल सकते हो, कोई चाहे तो फ्लैग, वो फ्लैग पैटर्न बोल सकता है. फ्लैग बोलो, कप एंड हैंडल बोलो, राउंड बॉटम बोलो, हाइयर हाई हाइयर लो बोलो. राइट, ये थे टेक्निकल एस्पेक्ट. लेवल्स पर वापस आएंगे, भागा दौड़ी नहीं करनी है, वीडियो सीखना है, समझने के लिए है, लर्निंग फेज के लिए है. वापस आते हैं, अब देखते हैं इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट. ये रहा श्री पुष्कर केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. बात की जाए तो वैल्यूएशन की, अगर यहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 के रेशियो से, पीई रेशियो से, प्लस सेक्टर का है 60, कैन यू इमेजिन कितना, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स अंडर वैल्यूड है पीई ले. बट पीई इज नॉट द सोल क्राइटेरिया कि पीई लिया बाय कर लिया, नहीं, पीई इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. यहां पर हम सिर्फ वैल्यूएशन देख रहे हैं. बुक मार्केट की बात की जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू से यहां पर 2 times ट्रेड कर रहा है. बुल मार्केट के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, केमिकल सेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से. बस अब देखते हैं इसके बाकी सबसे एस्पेक्ट पार्ट. देखो एक प्रमोटर जो होता है कंपनी का ओनर होता है, यहां से पता लगता है कि कंपनी के प्रमोटर की खुद कितनी वेटेज है स्टॉक में. राइट, तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो यहां पर एक ट्रेंड देखना, 65.28 बढ़कर हुआ 66.5, बढ़कर हुआ 66.5, फिर बढ़कर हुआ 66.9 और बढ़कर हो गया 67. पांचों क्वार्टर में प्रमोटर ने यहां पर ऐड किया है.
यानी प्रमोटर अपनी कंपनी में बिलीव करता है, सबसे बेस्ट पार्ट। अगर प्रमोटर सेल कर रहा है तो समझ जाओ प्रमोटर निकलने की तैयारी में है, कंपनी बेच रहा है, एक भागने का रूट पकड़ रहा है। बट यहाँ प्रमोटर स्ट्रॉन्ग गुड इनफ मूवमेंट दिखा रहा है। वापस बात की जाए, FII ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, DII ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत सेल किया है यहाँ पर DII ने, और पब्लिक की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। बेस्ट पार्ट था प्रमोटर होल्डिंग्स। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। यह कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, क्वार्टर सेल्स यहाँ पर बात की जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सेल्स का 44, 59, 71, 78.2, 78.43। बैक टू बैक 5 क्वार्टर्स प्रमोटर एडिंग, बैक टू बैक 5 क्वार्टर्स सेल्स गोइंग अप, प्लस नॉट ओनली सेल्स गोइंग अप, द बेस्ट पार्ट इज दे आर एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस एज वेल। अगर हम पैट की बात करें, आफ्टर टैक्स की बात करें, सिर्फ 0.14, ओनली 14 लाख 6 करोड़ 8 करोड़ 8.86 9.4। तो यहां पर कैन यू इमेजिन कि पैट आगे भी सेम रूटीन फॉलो कर सकता है, सेम थिनर लाइन देख के जा सकती है। ईपीएस बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भी मैनेज कर पा रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट अभी तक का कंपनी का ये लगा। ठीक है, बात की जाए बैलेंस शीट्स की, बैलेंस शीट्स की रिजर्व्स आर गोइंग अप इन ट्रेंड। बेस्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट कंपनी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसपे हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपनी के पास। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी काफी अच्छा लग रही है। टेक्निकल देखा, फंडामेंटल देखा, वापस आते हैं अब अपने लेवल्स की तरफ। लेवल्स की बात की जाए तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है समथिंग अराउंड 229-230 के आसपास। यहां पर लग रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यानी 24 मई से अभी तक जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक साइकिल यहां घूम रही थी, अब उसका ब्रेकआउट आया है परफेक्टली फाइन, मोटा मोटा 12-13 हफ्तों के बाद। तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा, मेरा पहला टारगेट पूरा राउंड बॉटम खाने का, मैं ट्राई करूंगा कि पूरे राउंड बॉटम तक मूवमेंट ली जाए। तो पहला टारगेट यहां पर आया 320, पहला टारगेट आया यहां पर समवट अराउंड 320 323 323, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप। फिर अगर फर्दर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग गैन नंबर से इसके टारगेट निकालने का ट्राई कर सकते हैं, जो कि आएगा 361 और 400 के आसपास। तो टारगेट आप लोगों ने देखा, एंट्री प्राइस देखा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, मिड कैप स्मॉल कैप वापस जाते हैं, तो मैं कहां पर स्टॉप लॉस रख सकता हूं, राइट? मैं स्टॉप लॉस रखूंगा कहां पर, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इसके इमीडिएट सपोर्ट के आसपास। अब दो तरीके से स्टॉप लॉस निकाला जा सकता है। नंबर वन, ये हायर हाई हायर लो, यानी वर्टिकल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो इसके नीचे मैं कुछ स्टॉप लॉस रखने का ट्राई करूंगा, और यहां से दिख रहा है वीकली चार्ट में अच्छा खासा पुल बैक भी आया है, यानी कि इस कैंडल का लेवल है 150, सो समवट अराउंड 148 बफर लिया, समवट अराउंड 148 क्लोजिंग बेसिस पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो हाँ, रिस्क रिवॉर्ड टारगेट वन के लिए भी 1:1 से ज्यादा है, फेवरेबल है, हाईली फेवरेबल नहीं बट फेवरेबल है, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी यहां पर ब्रेकआउट से सेफ हो चुका है, इसलिए हम लोग ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं। तो थोड़ी सी मोमेंटम मिस हुई बट सेफ साइड आ रहे हैं हम लोग यहां पर। टारगेट टू टारगेट थ्री के लिए देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम है यहां पर। लास्ट टाइम भी जब स्टॉक यहां से बॉटम आउट हुआ था 60 रुपीज से नॉन स्टॉप रैली दी थी 60 से 338 335 तक, वापस से स्टॉक 60 से बॉटम आउट हुआ है, और देखने को यह है कि वापस से ये रैली आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली। स्टॉक में हमने लेवल्स देखे, टेक्निकल एस्पेक्ट देखा, फंडामेंटल एस्पेक्ट देखा, एक क्विक ओवरव्यू देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर श्री पुष्कर केमिकल स्टॉक्स का। क्विक वीडियो था यहाँ पर, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।